मैं बिल्कुल उसके पास जाके खड़ी हो गई, वो मेरे राइट साइड पे था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने अचानक से एक भरा हुआ ग्लास मेरे चेहरे पर डाल दिया। मुझे अपना डर याद है, दर्द याद नहीं है, कि मैं इतनी तेज तेज चीख रही थी। जो मुंबई से है, जिसके जीजा जी ने उस पर अटैक किया। अच्छा, ऐसे नाम ले रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ये रिवेंज ड्रिवन क्राइम है या ईगो ड्रिवन क्राइम है, जैसा आपने बताया ना। जैसे बांग्लादेश में कानून था, जब चेंज में लाया गया तो ये देखा कि पहले तो ये 100% लड़कियों के साथ हो रहा था, फिर उसमें चेंजेस क्या आए कि 30% लड़के भी ऐड हो गए। कोई भी चीज उस नंबर में से कोई ऐसे आपके पास 2-4 केसेस हैं जहाँ पे आपको लगाओ कि ब्रूटैलिटी, एक तो ये क्राइम है, ये हीनियस भी है, बट उस हीनियस में ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट हो गया है। फ्रेम में आ जाइए आप। स्माइल। मेरा नाम प्रीति है। रश्मि है। दीपा है। रीमा है। शाहीन है। मेरा नाम रेशमा है। मेरे जीजा ने मेरे ऊपर एसिड डाला था। मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। मेरे ऊपर तेजाब पड़ोसी ने डाला है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को जबरदस्ती एसिड पिला दिया था। मेरे चाचा ने मेरे पे एसिड डाले थे। मुझ पर एसिड मेरे ऑफिस के लोगों ने डाला था। मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ। सर्वाइवर हूँ। आई डोंट वांट यू टू फील पिटी अबाउट मी। आई एम अ सर्वाइवर ऑफ अ कल्प्रिट एंड सोसाइटी। तो शाहीन जी, पहले तो नमस्ते ऐसे और थैंक यू। और आई थिंक दिस इज द मोस्ट इनक्रेडिबल एपिसोड दैट आई एम गोइंग टू शूट। 2 रीजंस फॉर इट। फर्स्ट, द कॉन्स्टेंट स्माइल ऑन योर फेस, कैमरे शुरू होने के पहले भी और कैमरा शुरू होने के बाद भी, राइट। एंड सेकेंड, आई थिंक इट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ अ लेडी दैट आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी. Also these photos that we will try to capture after the shoot, right? I think बहुत commendable job है बस, और मेरे शब्द शायद इस पूरी journey के लिए कम है। हम पहले आपके उस 2009 के इंसिडेंट से शुरू करते हैं जहाँ से ये शुरू हुआ है। प्लीज आप उस इंसिडेंट के बारे में बताइए एक बार। तो सर्दियों की शाम थी, शाम के 6 बजे थे, और मैं अपने ऑफिस की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। ऑफिस की सीढ़ियों यानी कि मैं वहाँ पर पढ़ भी रही थी, अपने MBA कर रही थी और स्टूडेंट काउंसलर थी वहाँ पर। तो मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, मैंने देखा मुँह पर कोई लड़का रुमाल बांध के खड़ा है रोड पर। मुझे लगा कि शायद पॉल्यूशन की वजह से बांधा है, कोई पासर बाय होगा। मैं बिल्कुल उसके पास जाके खड़ी हो गई, वो मेरे राइट साइड पे था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने अचानक से एक भरा हुआ ग्लास मेरे चेहरे पर डाल दिया, जो मेरी राइट आई में एकदम भर के गया। मुझे लगा एक सेकंड को कि किसी स्टूडेंट ने मजाक किया है, पानी डाला है, पर दूसरे ही सेकंड में मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ये तेज़ाब है। हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी तेज़ाब से काम नहीं किया, पर मुझे पता नहीं कि उसका गाढ़ापन, चिकनापन, मुझे खुद को ये एहसास हो गया ये तेज़ाब है। और जब ये लगा ये तेज़ाब है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, कि मतलब मैं कहूँ तो मुझे अपना डर याद है, दर्द याद नहीं है, कि मैं इतनी तेज़ तेज़ चीख रही थी। और मैं वापस ऑफिस की तरफ भागी कि मुझे कोई बचा सके। समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। पानी डालना, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। हालांकि हमें पता होता है कुछ जल जाता है कि पानी से धोना है, लेकिन उस टाइम पर कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। और फिर सब लोग घेरा बना के मुझे देख रहे थे, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैं ये नहीं कहूँगी वो मदद करना नहीं चाहते थे, शायद उन्हें पता ही नहीं था करना क्या है। और मेरी चीखें इतनी डरावनी थी, कोई मेरे पास आना नहीं चाह रहा था। और फिर मेरी दोनों आंखें बंद हो गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हरियाणा से दिल्ली लाया गया। और फिर आके हॉस्पिटल में वही चीज़, पुलिस केस है ये, तो इसमें हम ऐसे हाथ नहीं डाल सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली को और अचानक से कह दे 5 लाख रुपए जमा करो तब हम इसका इलाज शुरू करेंगे। फिर ये चीज़ हुई। और तो मेरे साथ जो अटैक हुआ 19 नवंबर 2009 को हुआ। 20 नवंबर तक मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट थी, और पुलिस मेरे पास बयान लेने के लिए आती है। और मैंने उन्हें बताया, उस टाइम जो मेरा दिमाग काम कर रहा था, कि मेरा ऑफिस के अलावा कहीं कोई जान पहचान नहीं है, तो कोई मेरे ऑफिस में से ही होगा। इसमें एग्जैक्टली मैं तब नहीं वो रिकॉल कर पा रही थी कि क्या होगा, कौन होगा, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। और पर उस दिन के बाद पुलिस मेरे पास कभी आई ही नहीं, और 4 साल बीत गए। और 4 साल के बाद मैंने खुद पुलिस को अप्रोच करने की इस बीच में कई बार कोशिश की, तो पुलिस हर बार ये कह देती थी हम किसी इम्पॉर्टेंट केस में बिजी हैं। मेरा केस इम्पॉर्टेंट नहीं था उनके लिए और अभी हम बात नहीं कर सकते। तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी कि शायद इस जन्म में तो कुछ होगा, मैंने छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और मंजूर था। तो मेरे को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए थी और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए मैंने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था दिल्ली से, और वो लेटर एक ऐसी मैजिस्ट्रेट के हाथ में गया जिन्होंने मेरी बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ्स देखी और उनको लगा कि क्या किसी लड़की के साथ ऐसा बुरा भी हो सकता है। वो कहते हैं कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई वो फ़ोटो देखने के बाद। और फिर उनका अगले दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, मैंने बताया ऐसे ऐसे। उन्होंने मुझे वापस वहीं बुलाया पानीपत, और मैं जब जा रही थी तो वो सब कुछ देखती जा रही थी, वो रास्ता जहाँ अटैक हुआ था वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही थी। और वहाँ गई और मैंने अपने बयान दिए। 4 साल के बाद मैं बता पाई कि कौन है जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया है। और फिर उसके बाद इस पर पुलिस केस स्टार्ट हुआ। ओ 2009 2013 इस पूरे केस में एक जुवेनाइल था। उस आपने कभी उस जुवेनाइल से बात करी कि मतलब या कभी आपको मतलब कोई वजह सामने आई आपके? मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो आया तो ये था कि 3 लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी ये, और जुवेनाइल को हायर किया गया था अटैक करने के लिए। तो वो जो लड़का मेरे साथ खड़ा था वो जुवेनाइल प्रूव हुआ, हालांकि मुझे वो लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसको जुवेनाइल प्रूव किया। और उस लड़के से आमना सामना हुआ कई बार, मुझे 1 सेकेंड को कभी नहीं लगा कि उसे ज़रा भी पछतावा है अपने किए हुए पर। मतलब वो ऐसे नज़रें मिलाकर और बिल्कुल इस तरह से वो देखता था, तो मुझे कभी नहीं एहसास हुआ कि उसे ज़रा भी पछतावा है कि उसने क्या किया है। लेकिन 3 साल की सज़ा हुई, उसकी तो शादी भी हो गई, सब हो गई, वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। 3 साल बाद मेरी ज़िंदगी तो 15 साल बाद भी मैं अपना इलाज करा रही हूँ और मैं इस जर्नी को जी रही हूँ। और ये जो 3 लोग थे ये इनका क्या रोल था? उसमें बड़ा जेलेसी और कुछ था। हाँ जी। तो एक मेरा बॉस था, एक उसकी वाइफ थी और एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था। तो उनकी कॉन्स्पिरेसी थी कि एक्चुअली मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था कि मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो बॉस था वो मुझसे एडवांटेज लेना चाहता था। ठीक है। और मैं मतलब अननेसेसरी वो ऑब्सेस था थोड़ा मुझे लेकर, और मैं नहीं रिस्पॉन्स दे रही थी। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि आमने सामने लड़ाई हुई, तो मुझे लगा कि रेजिग्नेशन देना बेटर है और मैंने रिज़ाइन कर दिया। और मुझे नहीं पता था अगले कुछ दिन में मेरे साथ ऐसा होने वाला है। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया और 10 दिन के बाद ही ये अटैक मेरे साथ हो जाता है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि ये 3 लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने 40,000 रुपये दिए थे जुवेनाइल को और मुझ पर ये एसिड डालने के लिए। तो 2013 एंड देन आपकी लीगल जर्नी स्टार्ट हुई। 2013 से 2015 के बीच में कुछ हुआ, इसमें चेंज आए कुछ जर्नी? हाँ, तो 2013 में जब ये केस पानीपत में मतलब काफ़ी मीडिया ने इसको थोड़ा उछाला और तब जाके मजबूरी में पुलिस को काम करना पड़ा और उन लोगों को अरेस्ट किया गया। पर जैसे कि सब उनको बेल देना ही चाहते थे, सबकी बेल वेल हो गई, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी वकील मुझे बताती हैं वहाँ जो मुझे काउंसिल अलॉट की गई थी कि इनके घर वाले आके इस तरह से उनका माथा चूमते हैं जैसे वो फ्रीडम फाइटर हैं। मतलब पता नहीं क्या करके आए हैं, वो मिलने आते हैं तो इस तरह से उनको प्यार किया जाता है। मैंने कोशिश की काफ़ी वहाँ पर, लेकिन मेरी लॉयर को भी वहाँ धमकी मिल रही थी और कोई उनकी बेटी को परेशान करने लगा था। तो उन्होंने कहा कि ये केस मैं ज़्यादा दिन हैंडल नहीं कर पाऊँगी। शी सजेस्टेड मी कि आप इसको ट्रांसफ़र करवा लो। तो 2014 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन डाली और फॉर्चुनेटली उस टाइम मुझे इंदिरा जयसिंह मिली। और मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी और आनंद सर ने और मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया और जस्टिस दीपक मिश्रा थे और तब ये केस ट्रांसफ़र हो पाया दिल्ली के लिए। तो 2014 में ये दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया। 2014 के बाद चार्ज फ्रेम हुए, फिर वो चार्ज के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिवीज़न पे आ गए और हाई कोर्ट में एक जज को ये लगा कि मैंने अपने बयान देने में 4 साल क्यों लगाए। हालांकि मैं तो बयान देना चाहती थी, पुलिस ही मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रही थी। और पुलिस ने अपना रीज़न ये दिया था कि हमारे पास लड़की का एड्रेस नहीं है। तो उस मैजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि लड़की का एड्रेस जो एफआईआर में था आज भी वही एड्रेस है, उसने उसी एड्रेस से वो लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को। तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर थीं, लेकिन फिर भी वो जज, मैं कहूँगी, सेंसिटिव नहीं थे। उनको नहीं पता कि एक विक्टिम और विक्टिम ऑफ एसिड अटैक को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। मेरी 18 सर्जरी हुई थी उस 4 साल के बीच में, लेकिन फिर भी उन जज साहब को लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख का माहौल था। मतलब मैं कमरा बंद करके, लाइट बंद करके बस लेटी रहती थी। मुझे ऐसा लगा था कि ये क्या हो गया फिर से। और लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको कोई बुरी तरह से धकेल देता है तो फिर आप पूरी हिम्मत लगा के फिर से उठते हो। तो मैं पूरी हिम्मत लगा के फिर से उठी और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। इस बार कॉलिंग गॉन्साल्वेज ने मेरा केस लड़ा और जस्टिस दीपक मिश्रा थे फिर से फॉर्चुनेटली, और उन्होंने कहा कि इतना हीनियस क्राइम है, इस पर ट्रायल तो कम से कम चलना चाहिए। तो ये जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है ये आउट ऑफ जुडिक्शन जाके दिया और फिर उन पर ट्रायल शुरू हुआ। तो फिर एक बार से हम वहीं लोअर कोर्ट में रोहिणी में आ गए और फिर ये ट्रायल शुरू हो रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये ट्रायल डे टू डे बेसिस पे चलना चाहिए, और डे टू डे चल के भी आज इसको 15 साल हो गए हैं, चल ही रहा है। तो 2009, 2013, 2015, 2015 से 2023 तक आपका डिफरेंट संस्थान में काम करना, 2021 तक आपको डिफरेंट संस्थानों में काम करना, लोगों के लिए अपनी हेल्प प्रोवाइड कराना। तो 2021 में जहां आज हम बैठे हैं उसकी शुरुआत हुई। और तो 2021 में ही इसकी शुरुआत हुई, क्यों, क्या कारण रहा उसका शुरुआत करने का? मतलब मैंने इतनी सारी संस्थाओं में काम किया पर फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि सेंसिटिविटी की बहुत कमी है। कोई भी इंसान मेरी प्रॉब्लम 6 महीने समझ लेगा, 1 साल समझ लेगा, हमेशा नहीं समझ सकता, क्योंकि एसिड अटैक एक ऐसी चीज़ है जो 1 साल 2 साल की चीज़ नहीं है, 5 साल 10 साल और कभी कभी पूरी ज़िंदगी। मुझे अपनी ये राइट आई तो मैंने खो दी है इस अटैक में, लेफ्ट आई का ट्रीटमेंट भी मुझे पूरी ज़िंदगी कराना है अगर मुझे इसको चलाना है तो मेरे लिए तो पूरी ज़िंदगी की बात है। तो वही कोई थोड़े दिन समझ लेता है, हमेशा नहीं समझता। तो सेंसिटिविटी की कमी है। कहीं पर ऐसा नहीं था कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे कोई होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहा हो कि आपको ट्रीटमेंट भी मिल जाए, आपको साइकोलॉजिकल थेरेपी भी मिल जाए, आपको लीगल एड भी मिल जाए, आपकी एजुकेशन भी हो, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। कोई केस लड़ देता था, जैसे मुझे, मेरा पता है कि मैं अपनी फाइल लेकर पता नहीं कितनी जगह घूमी हूँ कि मेरा केस ले लो, मेरा केस ले लो। मैं नहीं चाहती कि वही सेम चीज़ कोई और सर्वाइवर को सफ़र करनी पड़े। जो दुख है वो तो हर किसी को सहना है, पर उसका जो स्ट्रगल है उसको मैं थोड़ा आसान बनाना चाहती थी कि वो उतना डिफ़िकल्ट ना हो जितना मेरे साथ हुआ। तो इसीलिए ये संस्था शुरू की गई कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारी चीज़ें हों। और क्योंकि मैं खुद एक सर्वाइवर हूँ तो मैं जितने डीपली इस दर्द को समझ सकती हूँ शायद दूसरा समझना चाहे पर उस तक नहीं पहुँच सकेगा। तो इसी कोशिश के साथ ये स्टार्ट किया गया। तो इसमें एक नंबर आया निकल के अभी 300 सर्वाइवर्स जिनको आपने पर्सनली एड करा, राइट? हम उस नंबर में से कोई ऐसे आपके पास 2-4 केसेस हैं जहाँ पे आपको लगाओ कि ब्रूटैलिटी, एक तो ये क्राइम है, ये हीनियस भी है, बट उस हीनियस में ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट हो गया है कि हद हो गई है। जैसे मैंने अभी जो एक पढ़ा था उसमें ये था कि क्योंकि पत्नी ने तलाक ले लिया था तो ब्रदर इन लॉ ने पत्नी के ऊपर फेंक दिया, एसिड फेंक दिया। और यू नो एसिड फेंकना इज सो इजी लोगों के लिए कि जैसे एक गिलास पानी से भरा और उसको फेंकना है, क्योंकि इसे करने के लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। आपको गोली चलानी हो लाइसेंस लेना पड़ता है, गोली की वो लगेगा निशाना, नहीं लगेगा वो सीखना पड़ेगा आपको। आपको चाकू से वार करना, आप चूक भी सकते हो, पर एसिड तो इतनी आसान चीज़ है, मैं इतनी दूर से आप पे डालूंगी डल ही जाएगा, ठीक है ना। और टारगेट चेहरा है, मतलब आंख तो जानी जानी है इसके अंदर आपकी, तो उतना आसान है ये। और कुछ ऐसे केसेस में कहूँ तो जो मेरे दिल को बड़ा दुख देते हैं, आज तक भी देते हैं। ओखला की 2 लड़कियाँ हैं दिल्ली की, समर और जुवैरिया। तो जुवैरिया से उसका पड़ोसी शादी करना चाहता था, उसको आते जाते रोकता था और एक दिन जुवैरिया ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। बस वहाँ से शुरू हो गया कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मतलब वही चीज़ है ना कि लड़की को ये सोचने की इजाज़त नहीं देते हैं समाज, जो पुरुष प्रधान समाज है, कि तुम्हारा कोई हक हो सकता है, तुम तो मेरी मर्जी के हिसाब से चलोगी, ऐसा होता है। तो उसने, वो और उसकी बहन एक दिन शाम के टाइम रिक्शे से आ रहे थे और वो बाइक से आते हुए उसने पूरा जग भरा हुआ एसिड उन पर डाल दिया। दोनों बहनों पर एसिड डला और दोनों बहनें ब्लाइंड हो गईं। सोचो कि एक लड़की जिसका अपना करियर था, अपनी उसकी शादी भी होती, उसके बच्चे भी होते, वो एक खुशहाल जिंदगी जीती, किसी ने अपनी मर्जी की वजह से उसकी ज़िंदगी का रुख कैसे मोड़ दिया और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा। मतलब हम सोचें, 5 मिनट आंखें बंद करके चलने की कोशिश करें तो हम उसके दर्द का 1% अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि पिछले, उसका अटैक भी 2009 में हुआ, अक्टूबर 2009, और पिछले 15 साल से अंधेरे में जी रही हैं वो लड़कियाँ। तो मुझे उनका बड़ा दर्द लगता है जब वो कहती हैं ना कि एक एक कदम हमें सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है, और जब ठोकर लगती है, हर ठोकर पे वो अटैक याद आता है। तो वो मुझे बहुत दुख देता है। और फिर दूसरे दुख की बात कि जिन्होंने ये किया उनको कोर्ट ने एक्विटल दे दिया, यानी उनके साथ अटैक हुआ, उनको जस्टिस के नाम पर ये नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई कि आज भी पड़ोस में वो लोग खुले रह रहे हैं। तो हमने खैर उनका केस हाई कोर्ट लेके गए, लेकिन एक एक्विटल के केस को हाई कोर्ट में लाना, तो ज़्यादातर जज क्या सोचते हैं, मतलब मुझे पता नहीं मुझे इतना ओपनली बोलना चाहिए या नहीं, पर मैं तो बोल रही हूँ कि जजेस का भी क्या है कि काम ना करना पड़े कि एक एक्विटल का केस है, उसके एविडेंस पढ़ने, ये पढ़ने, तो क्यों मैं अलग से सोचूं। मतलब अपनी पावर को यूटिलाइज ही नहीं करना चाहते हैं कि आप किस तरह से एक लड़की की ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकते हो। तो वो दोनों लड़कियाँ ऐसे डिप्रेशन में रहती हैं, उनका केस चल रहा है, हम लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे हाई कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं लग रही, अब हम शायद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मुझे उनका बहुत दुख होता है। एक और जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, जैसे भी मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं, उनके मतलब कौन कौन है वो जो यहाँ पे लोग रहते हैं? हाँ, एक रेशमा बानो कुरैशी है जो मुंबई से है। अच्छा। जिसके जीजा जी ने उस पर अटैक किया। अच्छा। हाँ, एक रीमा है जिसके चाचा ने उस पर अटैक किया। ठीक है, मतलब फैमिली में भी इस तरह से हो रहा है। और दीपा है, उसके पड़ोसी ने उस पर अटैक किया। हाँ। और हमारे और भी बहुत सारे केसेस। रश्मि, उसके पति ने उसको एसिड पिला दिया। यहाँ पे है वो? यहाँ पर है वो, और उसको एसिड पिला दिया तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स मतलब डैमेज हो गए और उसका बहुत ट्रीटमेंट चल रहा है, लाइफ लॉन्ग उसको सॉफ्ट डाइट पे रहना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज हुई हैं। तो अलग अलग तरह से लोग ये काम कर रहे हैं। रेशमा जी अभी हैं आप यहीं पे ही हैं इस वक्त? अच्छा। मुझे 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 ना एक चीज समझ आ रही है कि जब आप सर्वाइवर्स का ऐसे नाम ले रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ये रिवेंज ड्रिवन क्राइम है या ईगो ड्रिवन क्राइम है, जैसा आपने बताया ना, क्योंकि हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं और पुरुष प्रधान ही सोच है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे लगता है कि लड़की ने मना कर दिया, कैसे मना कर दिया, अब गोली चलाने के लिए स्किल चाहिए, तलवार चला, चाकू चलाने के लिए पता है कि कहाँ मारना है। बट व्हेन यू गिव समवन अ स्कार फॉर लाइफ, जैसे आपके जैसे इसने आपके साथ करा था और आपने बताया कि वो जुवेनाइल होने के बावजूद भी आज भी आपकी आंखों में देख लेता है, उसके अंदर इतनी शर्म नहीं है, और मुझे लगता है वो सोचता होगा ऐसा अपने मन में कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, इसको स्कार दे दिया लाइफ। राइट, उसके घर वाले भी तो उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं ना, जब राइट जैसा आपने बताया अभी कि फ्रीडम फाइटर है। हाँ, आई थिंक मार देना चाहिए इन्हें, खत्म कर देना चाहिए इन्हें। मतलब आप सोचो ना, किसी की जिंदगी को इस हद तक आप बदतर बना रहे हो कि उसे उठने का मौका ही नहीं दे रहे हो। मतलब एसिड अटैक ऐसी चीज है, बहुत सारे क्राइम होते हैं, मैं नहीं कह रही कोई भी क्राइम कम है, पर कोई भी क्राइम लाइक रेप है और भी तरह के अब्यूजेस हैं, आपके चेहरे पे नहीं दिखते। एसिड अटैक आपके चेहरे पे दिखता है, आप हर टाइम उसे कैरी करते हो, जब चलते हो तो लोग जो देखते हैं ना आपको अजीब नज़रों से, उनकी आंखों में आपको दिखता है। जब आप रोज सुबह आईना देखते हो तो आपको दिखता है। तो एसिड अटैक हर पल हर सेकंड आपके साथ रहता है। तो कोई भी, मतलब मैं कहूँगी दिस इज द मोस्ट हीनियस क्राइम। कहते हैं ना वो कानून में एक फैंसी टर्म है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट। अच्छा मर्डर तो सारे हैं, ये मर्डर रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये जो चीज है, ये क्राइम जो है जिसको अब हमने 326 ए और बी में ले आए हैं, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में ही आना चाहिए। जिंदगी भर किसी के साथ चोरी नहीं चलती है क्योंकि आदमी पैसा हमेशा कमा सकता है। आपने 18 सर्जरीज कराई तब भी आज आपके पास एक आई नहीं है, है ना? और अगर आप और 30 भी करा लेंगे तो तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर का ओपिनियन है इस पर कि जैसे मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिलती हूँ, अच्छा नेटवर्क है मेरा, तो अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, एक दिन मैं उनसे बात कर रही थी, कभी कभी मतलब थोड़ा फ्रेंडली हो गए, अच्छे से बात करते हैं, समझते हैं वो दर्द को। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि सर मतलब कभी कुछ ऐसा कि नॉर्मल हो पाए? कहते हैं कि जो चेहरा गॉड गिफ्टेड था ना वो हम आपको कभी नहीं दे पाएंगे, हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल सके, हम उतना ठीक कर दें आपको। तो ये तो भूल जाओ कि कभी उतना जैसा था वो हो सकता है। अच्छा मैं मतलब हो सकता है ये लोगों को सुनने में ऐसा लगे जैसे पता नहीं क्या कह रहा हूँ। तो AI जनरेटेड इमेजेस होती हैं कुछ, आर्टिफिशियली जनरेटेड इमेजेस, राइट? तो अगर मैं उसमें एक 3 कीवर्ड डालूं, विमेन वॉरियर टाइप कुछ, या कुछ ऐसा, या कुछ ऐसी औरतें जिन्होंने जंग लड़ी हो, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सनैलिटी उसमें आएगा। उसके पीछे कारण ये है कि जो कॉन्फिडेंस आप कैरी करते हो ना अपने साथ, और जो स्माइल कैरी करते हो, ये हम जैसे लोग भी नहीं कैरी कर पाते। मतलब ये मैं आपको जेन्युइनली सच बता रहा हूँ, कैमरे के पीछे मुझे पता है कि मैं कैसे जीता हूँ। तो आई थिंक ये बहुत वॉरियर अप्रोच है आपकी, साथ में उन 300 लोगों के साथ लिए जो आपने करा है, ये कमेंडेबल जॉब है। और अभी जैसे आप बात कर रहे थे ना कि इतना इजीली एक्सेसिबल है ये एसिड, इतना ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है कि 50 रुपये का या 70 रुपये का कैन डू दी डैमेज फॉर, राइट? अच्छा बट आपको पता है कि इसमें रेगुलेशंस हैं, आपको पता है कि इसको लेने के लिए यू हैव टू मेंटेन अ लॉग बुक, आपको ये बताइए इसको लेने के लिए SDM के पास रिकॉर्ड्स अपलोड होने चाहिए, किसके पास किस टाइप का एसिड है, 3 टाइप में, राइट? ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग इज देयर इन दी बुक्स। मैं ये सोचता हूँ कि जब कोई एसिड दुकानदार से मांगता होगा कि भाई साहब 70 रुपये का वो वाला एसिड दे दो, तो दुकानदार किसी की जिंदगी 70 रुपये में बर्बाद करने के लिए एक्सेसिबली दे देता है। और उसे तो मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तो होता होगा ना, जो छोटे दुकानदार, जो अनपढ़ दुकानदार होते होंगे, जो एसिड रखते हैं, जो नहीं, उनको ये लगता है ना कि मेरा मैटर थोड़ी है। हम जैसी सोसाइटी में रहते हैं ना, तो लोग, आधे लोग तो इसलिए मतलब अपने आप को अलग कर लेते हैं, मेरा घर का मामला नहीं है, राइट? है ना, तो उनका है, देखेंगे अपने आप 70 रुपए में। और वो ये नहीं समझते कि एसिड अटैक विक्टिम में और नॉर्मल में कितना फर्क है, जैसे मेरे में और आप में, है ना? तो मतलब मैं इधर बैठी हूँ, आप उधर बैठे हो। कल जब मेरे साथ अटैक नहीं हुआ था, मैं भी उस तरफ थी, लेकिन कुछ सेकंड में मुझे इस तरफ आना पड़ गया, है ना? तो ये तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है, लेकिन नहीं सोचते हैं लोग, आधे लोग बच जाते हैं। अब ये मैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, सब हैं, किसी को मतलब नहीं है एसिड अटैक हो रहा है, हम कुछ ऐसा करें, ठीक है? उनको लगता है हमारे साथ थोड़ी हो रहा है जिनके साथ हो रहा है। अगर मैं नहीं चाहती किसी के साथ ऐसा हो, पर आप बताओ अगर किसी चीफ मिनिस्टर की बेटी के साथ ऐसा हो जाए, क्या कानून नहीं बनेगा? कुछ सेकंड में बन जाएगा। जब डिमोनेटाइजेशन एक रात में हो सकता है, कोई भी चीज मतलब आप मिनटों में कर देते हो, ये नहीं हो सकती। अभी हो जाए, अगर प्रधानमंत्री की बेटी के साथ हो जाए, नहीं कानून बनेगा। पर हो रहा है किसके साथ? हमारे साथ, आम लड़कियों के साथ। तो उतना मैटर नहीं करता लोगों के लिए, इसको मेन स्ट्रीम में लाते नहीं है। आप अभी क्या सजा इसकी बताएंगे आप जरा? अभी 326A के अंदर इसमें सजा दी जाती है 10 साल, मिनिमम 10 इयर्स है, और इट कैन एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। लेकिन मोस्टली केसेस में लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि जजेस भी अपनी पावर को शायद पहचानते नहीं है, वो मिनिमम ही देते हैं 10 साल, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो 10 साल की सजा दी जाती है। ये नहीं सोचते, वो तो 10 साल में नॉर्मल बाहर निकल जाएगा। जैसे रेशमा का एक्यूज है, उसका जीजा 2014 में अटैक हुआ था, 2023 में बाहर आ गया। क्या रेशमा आज ठीक हो गई है? 10 साल बाद वो अभी भी एक आंख नहीं है उसकी, अभी भी सर्जरीज करा रही है, उसकी ज़िंदगी तो नहीं बदली 10 साल में, पर उसकी ज़िंदगी दोबारा से शुरू हो गई है। अरे जेल के अंदर होते हैं, बाहर बेल पे आते हैं, शादी हो जाती है। मतलब सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर लेती है, विक्टिम को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाएगी, नहीं करती एक्सेप्ट, टाइम भी लगाती एक्सेप्ट, नहीं करती और उनको कर लेती है। हाँ। वो अगली बार आ रहे होते हैं तारीख पे, हाँ। तो अपनी बीवी के साथ, हाँ। है ना, न्यूली मैरिड बीवी। में सोचती बताओ क्या है, लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। So disgusting. मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ जो आप सब कुछ बोल रहे हो। मतलब मैं कोर्ट के गलियारे सोच रहा हूँ और इधर से आप चल रहे हो और इधर से वो चल रहा है, और आप उसे आंख में आंख डाल के देख रहे हो, आप उसे देख रहे हो और वो आपको ईगो से देख रहा है। ऐसे आई कैन लिटरली इमेजिन, आई कैन नॉट इमेजिन द फेस ऑफ द गाय बट आई कैन इमेजिन द आईज। आई थिंक ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें जैसे अभी हम बात कर रहे थे जेंडर बेस्ड, आपने बताया, तो आपने कभी सुना है किसी मर्द के साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, मतलब देखो लोगों की मानसिकता कभी कभी इस हद तक गिर जाती है, और जो स्पेशली एसिड अटैक करते हैं ये वही होते हैं जो 2 महीने की बच्ची के साथ रेप कर सकते हैं, जिनको कुछ नहीं दिखता, जिनको अपनी ईगो इतनी ज्यादा मतलब उन पर हावी हो जाती है, या मतलब उनको लगता है कि किसी तरह से मुझे जीतना है। ये वही लोग होते हैं जिनको 2 महीने की बच्ची नहीं दिखती, उन्हें लड़की की जिंदगी भी नहीं दिखती। तो ज्यादातर अटैक जो है वो लड़कियों के साथ होते हैं, पर कुछ ऐसे केस भी मेरे सामने आए हैं जिसमें बच्चे पर अटैक किया, माँ से बदला लेना था तो बच्चे पर, मेल चाइल्ड पे अटैक किया। और मेल पर भी एक भोपाल में एक लड़का है, उस पर अटैक हुआ। तो इस तरह, और ये तो होता है, जैसे बांग्लादेश में कानून था, जब चेंज में लाया गया तो ये देखा कि पहले तो ये 100% लड़कियों के साथ हो रहा था, फिर उसमें चेंजेस क्या आए कि 30% लड़के भी ऐड हो गए। कोई भी चीज़ जब इतनी आसानी से वो फैलेगी, एक डिजीज़ की तरह फैलेगी ना, फिर तो वो आप तक भी जाएगी कभी, तो वो अब लड़कों पे भी आने लगी है। तो कुछ केसेस हमारी नज़रों में ऐसे आए हैं। 95% अभी भी महिलाएं, 5% लड़के भी इसमें आ रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश में इन्होंने डेथ पेनल्टी है इसको लेके? हाँ जी, हाँ जी। इंडिया में नहीं है डेथ पेनल्टी इसको लेके? आपने कभी सोचा है कि ऐसा, मतलब आपने कभी, और जब इतने सारे सर्वाइवर्स आप मिलते होंगे और जब आपके साथ एक्टिविस्ट बैठते होंगे, तो कभी डेथ पेनल्टी के लिए आपने कोशिश करा है कोर्ट के अंदर कि डेथ पेनल्टी हो? देखिए इसमें क्या है कि, और बांग्लादेश में डेथ पेनल्टी आई, उन्होंने कहीं ना कहीं इस केस की सीवियरिटी को समझा और उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस भी आए। मतलब नंबर बहुत कम हुआ एसिड अटैक का, जो उन्होंने लॉ बनाया अपने यहाँ पर। पर इंडिया में हमारे ना सबसे बड़ी बात तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, दिल्ली में ही एसिड खुला बिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, कोई भी एसिड खुला नहीं बिकेगा, मतलब ओवर दिस सेल कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में ही, मतलब दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जी उड़ाई जा रही हैं, कोई सुनता नहीं है। तो ये तो हाल है हमारे यहाँ पर। अब हम आ जाएं कि पनिशमेंट पे, तो जो मिनिमम है उससे बढ़कर जजेस देने को तैयार नहीं होते। 10 साल से वो 15 साल नहीं करते, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं करते, तो डेथ पेनल्टी तो यहाँ पर छोड़ दो। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी होती है, जिसमें सबूत सामने हो, सब कुछ हो। जैसे निर्भया का केस 2012 में हुआ था, कब जाके उसको डेथ पेनल्टी हुई है? हाँ, तो 2 बार रिवाइज पेटिशन है ना। मतलब उस केस में जहाँ सब कुछ इतना क्लियर था, तब भी आपने सालों लगा दिए, है ना, 10 साल से ऊपर उसमें लग गए, 10 साल ऑलमोस्ट लग गए। तो यहाँ, हमारे यहाँ पर लॉ को बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। मुझे लगता है इस तरह के केसेस में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। हालांकि ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, मैं भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हूँ कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, पर होनी चाहिए, ठीक है। या फिर मुझे 2 चीजें लगती हैं, या तो डेथ पेनल्टी हो कि ऐसे गंद को खत्म करो दुनिया से जो इस तरह से करता है, या फिर मरते दम तक वो जेल में रहे और इतना स्ट्रिक्ट उस पर, मतलब हम, क्या वर्ड होता है वो, एक वर्ड होता है ना जिसको हम यूज करते हैं, कि इतनी सख्त उनकी सजा हो, है ना, कि उनको ये लगे कि हमने ऐसा किया क्यों, हमें किस चीज की, मतलब हमने ऐसा किया इसलिए हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। पर यहाँ उल्टा है, लड़की ये सोचेगी मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया। होना चाहिए वो सोचे कि मैंने ऐसा किया था इसलिए मुझे ये सजा मिल रही है, उसको बार बार अपनी गलती का एहसास हो। जो आपने बोला ना कि ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे उन लोगों के लिए जिनको फांसी मिलेगी, बड़ा मजेदार सा खेल है कि ह्यूमन राइट्स वालों को लगता है कि जो विक्टिम है उसके तो कोई ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, और जो बेचारा जेल में गया है उसके सारे ह्यूमन राइट्स हैं, तो मेरे लिए तो एक ही है। एक रेट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, एक रिहेबिलिटेटिव जस्टिस होता है। मुझे लगता है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस बेटर है, जिसके साथ जो कर रहा है उसके साथ उससे बहुत ज्यादा हद तक होना चाहिए। मतलब हम सही में एक जस्टिस तो पूछो उससे ना जिसके साथ हुआ है, है ना। दूसरे तो सिर्फ बता सकते हैं अपनी सोच से, लेकिन जिसने सहा है उससे पूछो ना कि क्या जस्टिस है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए आप। मतलब मुझे ये लगता है, देखो टाइम चेंज हुआ मेरे साथ भी, ठीक है। पहले मुझे लगता था जिसने मेरे साथ अटैक किया कुछ भी हो उनके साथ भी अटैक होना चाहिए। हाँ, हालांकि वो मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं कभी भी ये काम नहीं करना चाहूंगी, ठीक है, लेकिन उनके साथ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। फिर धीरे धीरे मैं अपने काम में इतनी बिजी हो गई और ये केस चल रहा है, तो अभी तो ये लगता है कि जो भी है एटलीस्ट वो ही मिल जाए, क्योंकि वो भी नहीं मिल रहा मुझे तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि वो बार बार ये सोचे कि काश मैंने वो गलती ना की होती। मतलब उतनी सख्त सजा होनी चाहिए, ठीक है। और उनको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए बाहर आने का, सोसाइटी में वापस बाहर आने का। अंडर रिपोर्टेड क्राइम्स भी होते हैं जो जिनकी पुलिस के पास तक नहीं करते घर वाले, शर्म में या डर के, राइट। होता है ऐसा, क्योंकि मैंने देखा कुछ 172 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कहीं पे पिछले साल। नंबर बहुत ज्यादा है, एक्चुअल नंबर बहुत ज्यादा है। हाँ, ऐसे हैं, ऐसे कुछ केसेस हमारे पास भी हैं। कश्मीर की लड़की है, अच्छा, मतलब मुझे बहुत दुख होता है, उसके दोनों हाथ डैमेज हो गए एसिड में। मतलब इतना ज्यादा एसिड डाला था और उसने चेहरे पर हाथ रख लिया था। फॉर्चुनेटली उसकी आंखें बच गई, फेस डैमेज हुआ और दोनों हाथ की फिंगर्स चली गई। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने रिकंस्ट्रक्ट की, छोटी छोटी फिंगर्स हैं। तो उसके हाथ देखकर बहुत दुख होता है मुझे आज भी। उसके कज़न ने उस पर अटैक किया था, नहीं कोई FIR हुई, नहीं कोई पुलिस कंप्लेंट हुई, जिसकी वजह से आज उसे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता, जो मुआवजा है, सो कॉल्ड मुआवजा। कितना मुआवजा है वही? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, सो कॉल्ड मुआवजा 3 लाख। जो 3 लाख फॉर लाइफ टाइम, वन सिंगल सम अमाउंट फॉर लाइफ टाइम। 3 लाख मिनिमम है और बढ़ा के उसको 7 लाख कर दिया। अच्छा, तो 3 लाख की तो एक सर्जरी हो जाती है, तो अच्छा। मेरी तो 3 सर्जरी 7 लाख में हो जाएंगी। हाँ। तो मेरे लिए मुआवजा क्या रहा, जबकि ये दोनों चीजें अलग हैं। हाँ। मुआवजा है जो दर्द आपने सहा उसके लिए, अच्छा, ठीक है, और जो ट्रीटमेंट है वो मेरा कॉस्ट जा रहा है ट्रीटमेंट का। तो ये दोनों चीजें अलग हो गई, अलग। तो मुझे मेरे इलाज का अलग मिलना चाहिए, मेरा मुआवजा अलग होना चाहिए। मुआवजा की मैं पूरी जिंदगी डिसेबल रहूंगी इस दर्द के साथ जीना उसके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचते, उठा के 3 लाख दे देते हैं। और वो भी कब देते हैं, इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस दो, मतलब ऐसा नहीं है कि खुद आप विक्टिम तक पहुंच रहे हो, पुलिस इन्फॉर्म करे और उसे मुआवजा मिल जाए, नहीं, चक्कर काटो, लेटर्स भेजो, तब जाके आपको 1 लाख मिलेगा, फिर 3 लाख मिलेगा, उसके बाद रुक जाएंगे, फिर हम कोर्ट जाएंगे कि हमें जो मुआवजा है वो कम मिला है, तो फिर जाके आपको 6 महीने में, साल में, या कभी कभी 2-3 साल में आपको 7 लाख मिलता है। पर फिर भी मैं हार नहीं मानती हूँ, उसके बाद फिर जाती हूँ कि मुआवजा कम है, मुझे मिलना चाहिए 50 लाख, मुझे मिलना चाहिए 1 करोड़, और वो भी कम है। मतलब मुझे लगता है ये सरकार का, गवर्नमेंट का फेलियर है कि आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो आपकी जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी उठाना, तो कोई एहसान नहीं करोगे अगर मुझे 1 करोड़ भी दे दोगे, तो आपकी जिम्मेदारी, आपका फेलियर है, लेकिन मिलता नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं लड़ाई लड़ने की। एक सर्जरी के कितने रुपए लग जाते हैं इसमें? एक सर्जरी मिनिमम अगर मैं बताऊँ तो 1.5 लाख। अच्छा, मिनिमम। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो उसमें नंबर कब लगता है, क्या प्रोसीजर होता है? वहाँ तो उसमें तो नंबर, अब हम जा रहे हैं, देखो क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रश इतना होता है पहली बात तो, कि वहाँ पर देखते हैं इमरजेंसी केसेस। अब एसिड अटैक में इमरजेंसी वाली चीजें उतनी नहीं होती, क्योंकि डिसफिगर हुआ है वो, ठीक है, तो उसको और पीछे डालते रहते हैं। तो कभी नंबर आ गया 2 साल में, कभी 5 साल में एक सर्जरी हो गई, पहली सर्जरी, हाँ, तो कभी 5 साल में एक सर्जरी हो गई, आपको लाइनों में लगना है। और मतलब इतना टाइम आपका, जो एक बंदा है उसकी तो, वो जो विक्टिम है वो तो टाइम हो ही रहा है उसका खराब, उसकी फैमिली से भी कोई उसको लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको विक्टिम को दिखता नहीं है, है ना, आई साइड वीक है अब उसकी, तो उसका भी पूरे दिन का एम्प्लॉयमेंट चला जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जितने भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनको बेस्ट मेडिकल केयर मिले। और वो मैं कहती हूँ अगर गवर्नमेंट को होना चाहिए कि वर्ल्ड में कहीं भी हो ना, अमेरिका भी भेजना पड़े तो आप भेजो, पर यहाँ तो दिल्ली में ही नहीं मिल पा रहा है। तो पर हम ये करते हैं, हमने इस संस्था के थ्रू, ब्रेव सोल्स फाउंडेशन के थ्रू ये किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराते हैं हम। अच्छा। अपोलो में, BL कपूर में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो एक्सपर्ट सर्जन हैं उनके साथ, तो हमारा ये है कि हमें वो चक्कर ना काटने पड़े। तो जब आपके कोई दरवाजे पे आता है तो कोई सवाल पूछते हो आप उनसे या नो क्वेश्चन आस्क्ड और फिर बाद में सब ये होता है? मतलब मेरा, मैं सही बताऊं तो मुझे उनके साथ क्यों हुआ था, क्या हुआ था, मेरा उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे इंटरेस्ट होता है आज तुम्हारे लिए, आज तुम्हें क्या चाहिए, आज हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत वहां से करती हूँ, आज से। उसके बाद वो सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन शुरुआत आज से। तो रिहेबिलिटेशन के बारे में आप मुझे बताइए, सर्वाइवर्स का रिहेबिलिटेशन कैसे होता है फिर? तो सर्वाइवर्स का रिहेबिलिटेशन, एसिड अटैक सर्वाइवर का रिहेबिलिटेशन काफ़ी डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली दूसरे के, क्योंकि ये चेहरे पर दिखता है, मैंने बताया, और इसमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, तो डिफिकल्ट बहुत होता है। लेकिन उनका रिहेबिलिटेशन करना भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे यहाँ पर एक लड़की है रीमा, वो रह रही है, तो उसका पूरा ये स्कैल्प बर्न था, बाल नहीं थे, तो उसकी हमने मल्टीपल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराई। वो एक पार्ट है कि आपकी अपीयरेंस को बेटर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। दूसरी चीज़, हमने उसकी एजुकेशन में भी उसका 12th में एडमिशन कराया कि जो छूट गया था वो फिर से स्टार्ट हो, ठीक है। तीसरी चीज़, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लैंग्वेज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी कर रहे हैं, तो वो भी चल रही है। चौथी चीज़, हम उसको, जब हमें किसी कॉलेजेस वगैरह में बुलाया जाता है, हम उसको एज अ स्पीकर वहाँ भेजते हैं कि वो लोगों को अपने बारे में बता रही है, वो एक, हम उसको एक इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं, तो हम इस तरह भी देख रहे हैं। पांचवी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपको उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, कि कम फाइनेंशियली वो इतनी इंडिपेंडेंट हो कि अपना खर्चा खुद उठा सके। तो उसके लिए हम अलग, जैसे होटल ललित के साथ हमारा टाई अप है, तो हमारे बहुत सारे सर्वाइवर वहाँ काम कर रहे हैं, एक कॉलेज में है वहाँ पर हमारे सर्वाइवर काम कर रहे हैं, और खुद इस ब्रेव सोल्स फाउंडेशन में हमने सर्वाइवर्स को एम्प्लॉय कर रखा है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ भी वो कोई सोशल मीडिया देखता है, कोई शेल्टर होम मैनेज करता है, तो कोई ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेट करता है। तो हमने यहीं से शुरुआत करी कि पहले शुरुआत खुद से की जाए। मुझे लगता है किसी भी इनकार की, किसी भी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं हो सकती। किसी को राइट नहीं है किसी की ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद कर देने का। मैं सोसाइटी से सिर्फ दो चीज़ें चाहती हूँ कि एक तो वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, दूसरा कि वो हमें अपना ही हिस्सा समझें, हम उनसे अलग नहीं हैं। आज हमारे सर्कमस्टेंसेस ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, जो हमारे साथ क्राइम हुआ, लेकिन वो हमें अपने में से ही समझे।